जब से माननी पड़ेगी एज हाथ तक नहीं आया है रोमन रेंस के, जो कि होता नहीं है। रोमन रेंस का कोई भी ओपोनेंट हो, ओपोनेंट का क्या हाल होता है मैच के पहले आपको पता है, बट एज बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। रोमन रेंस को तो अटैक कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनके भाइयों को भी। एंड यस गाइस, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का रिटर्न देखना कल स्मैकडाउन पर। मैंने सोचा भी नहीं था कि मिस्टीरियो फैमिली रिटर्न करेगी। एंड गाइस, काफी चांसेस है आने वाले वक्त में हमें रोमन रेंस एंड उसोस वर्सेस एज एंड मिस्टीरियो फैमिली का टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। बट गाइस, जो एक चीज जो हम सब मिस कर रहे हैं, रोमन रेंस कब स्पीयर लगाएंगे भाई एज को। बट गाइस, रोमन रेंस लगाना तो चाहते हैं स्पीयर, लेकिन गाइस एज प्लान लेके आते हैं पूरा पूरा। एंड यस गाइस, एज को WWE बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा रही है इस टाइम। सो यस, आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो एंड कौन आपका फेवरेट है, एज या फिर रोमन रेंस, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली एक काफी चिंता वाली न्यूज है रोमन रेंस के फैंस के लिए। पॉल हेमन ने नई फोटो डाली अपनी फेसबुक अकाउंट पर, जहां पर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर से पिट रहे हैं एंड पॉल हेमन थोड़ी सी हंस रहे हैं। एंड ये आप हाथ देख सकते हो, ब्रॉक लेसनर का है। आई थिंक पॉल हेमन जो फ्यूचर में होने वाला है उसका थोड़ा सा टीज दे रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन बहुत टाइम पड़ा है अभी तो। एंड गाइस, ये भी कारण हो सकता है कि पॉल हेमन पॉपुलर होना चाहते हो तो ऐसी एक पिक अपलोड कर दिया, अब उनकी बातें चल रही है सारी तरफ। लेकिन यस, जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे तब पॉल हेमन कहां जाएंगे, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट गाइस, मैं पॉल हेमन की भी तारीफ करना चाहता हूं, बहुत ही अच्छे मैनेजर है पॉल हेमन। नेक्स्ट एक काफी शॉकिंग न्यूज है, जॉन सिना के पुराने मैनेजर जो रह चुके हैं उन्होंने कहा कि जिम्मी उसो अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी WWE ने उनको सेगमेंट में डाला। उन्होंने कहा कि वो जिम्मी उसो को बिल्डिंग के अंदर भी नहीं आने देते ऐसे काम के बाद। एंड गाइस, यही नहीं, WWE ऑफिशियल जो काम भी कर रहे हैं WWE के साथ, वो भी बहुत ज्यादा नाराज है जिम्मी उसो के साथ। आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट्स में मेरे को बताइएगा। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब बटन को ना सुपरमैन पंच मार दो एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना अभी के अभी जाके। हमारा एम है 43,400 सब्सक्राइबर का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। सो क्वेश्चंस की बात कर ली जाए, विशाल जी ने पूछा कि भाई अगर मनी इन द बैंक पर एज जीत जाते हैं तो किसको फेस करेंगे। यहाँ पर जितने भी रूमर्स है ना, वो सारे के सारे बोल रहे हैं कि रोमन रेंस मैच जीतेंगे, लेकिन फिर भी अगर एज जीत जाते हैं तो हमें पहले तो रीमैच ही देखने को मिलेगा। बट गाइस, यहाँ पर सेथ रॉलिंस की एंट्री हो सकती है एक ट्रिपल थ्रेट मैच में, एज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, जो कि एक और ट्रिपल थ्रेट मैच होगा रोमन रेंस के लिए। एंड अगर एज जीत गए ना, बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज होगी वो। सो यस गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, क्वेश्चन पूछो कमेंट्स में, लाइक मार के अपनी अटेंडेंस लगवा दो, सब्सक्राइब बटन को एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दो। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।